यहाँ पे मेरा कुकिंग सेट है, ये कुकिंग सेट जो कि मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी दिखाया था, और ये मेरा जो कुकिंग गैस है, तो इसी से मैं बनाऊंगा खाना आज का, और ये खाने के लिए डिश और कुछ। तो देखने से कैसा लग रहा है आप लोग को चिकन की, यहाँ पे एग्जैक्टली परफेक्टली कुक हुआ है मेरा राइस, क्योंकि इतना तो खा नहीं पाऊंगा जो चिकन का आ रहा है, क्योंकि थोड़ी देर आगे मैंने इसी तेल में बढ़िया इसको देते हैं। रुक 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 रुक, ये ले खा, खाओ खाओ खाओ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल विद अनदर न्यू फ्रेश ब्लॉग। गाइस, आज का ब्लॉग जो है काफ़ी एडवेंचरस होने जा रहा है, क्योंकि आज जो है मैं कैंपिंग करने जा रहा हूँ, और वह कैंपिंग का जो लोकेशन है, अगर आप लोग मेरा पुराने सब्सक्राइबर या तो व्यूअर्स हो, तो आप लोग को पता चल चुका होगा कि मैं किस जगह में जाके कैंपिंग करने जा रहा हूँ, क्योंकि एक वीडियो में मैंने बताया था आप लोग को कि मैं कौन सा जगह में कैंपिंग करने जा रहा हूँ। तो आज का वीडियो वही कैंपिंग लोकेशन में जाके शुरुआत होगा। तो अभी के लिए बने रहे ब्लॉग पे, और मिलते हैं एक ही बार में कैंपिंग लोकेशन में विद कैंपिंग सेटअप। सो बीन द ब्लॉग्स गाइस। तो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ ये कैंपिंग लोकेशन में, हालांकि आते आते काफ़ी अंधेरा हो चुका है, तो जल्दी से कैंपिंग सेटअप करता हूँ, उसके बाद में कुछ बनाना भी है, आज का डिनर का कुछ करना है। तो वैसे तो इतना दूर नहीं है मेरे घर से ये कैंपिंग लोकेशन, लगभग आधा घंटा के दूर में है, हाफ एन आवर लगेगा, लेकिन फिर भी आते आते लेट हो गया, क्योंकि मैं लेट से ही निकला वहाँ से। तो ये कैंपिंग लोकेशन जो है नज़दीक में घर वगैरह भी है, गांव भी है, तो इसीलिए, और बगल में जो एक नदी भी है। तो आप लोग ने आई होप आप लोग ने गेस कर चुका है, अभी तक कर चुके होंगे कि मैं कौन सा कैंपिंग लोकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, और इसका व्यू जो है मैं कल सुबह दूंगा आप लोग को, क्योंकि अभी जो है काफ़ी अंधेरा हो चुका है, तो कुछ पता नहीं चलेगा आपको। तो यहाँ का जो व्यूज़ के इन्जॉय करने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। सो गाइस, मेरा टेंट जो है रेडी हो चुका है, और अभी मैं टेंट के अंदर आ चुका हूँ, और मेरा जितना भी सामान है मेरे पीछे आ चुका है। तो ये रहा मेरा टेंट, शायद मेरा जो रोशनी उतना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैं एक बल्ब यहाँ पे लगाया हूँ, आप देख सकते हैं ये बल्ब, और ये ट्राइपॉड जो है ट्राइपॉड में मैंने लगाया हूँ, और एक बल्ब जो है जो USB बल्ब है वो मैं यहाँ पर लगा लूँगा थोड़ी देर बाद में कुकिंग करने से पहले। और जो है ये मेरा जो कैंपिंग का एक्सपीरियंस जो है ना, ये लाइफ का मेरा फर्स्ट कैंपिंग एक्सपीरियंस है, और साथ में सोलो कैंपिंग एक्सपीरियंस एंड कुकिंग एक्सपीरियंस गाइस। तो अभी देखते हैं, डर भी लग रहा है वैसे सुनसान जगह में अकेले हम, और उसके साथ में आप लोग तो है ही, लेकिन फिर भी कैंपिंग का जो है ना डर सा भी लग रहा है, और जो काफ़ी ठंडा हवा मेरे चेहरे पे ऐसे होके गुजर रहा है, तो यहाँ पे शायद ठंड भी मुझे लगेगा। वैसे तो यहाँ पे जो मौसम जो है काफ़ी ठंड जैसा मौसम है, क्योंकि और यहाँ पे मैंने एक लाइट लगाया है, और दूसरा लाइट यहाँ पे है, और मेरा स्कूटी जो है इस तरफ है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कूटी है। तो ये जगह में मैं खाना बनाऊंगा। ऑलराइट गाइस, अभी थोड़ा सा मेरा कैमरा का एंगल जो है थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है, अभी खाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि टाइम भी लगभग 6:30 करीबन हो चुका है, और काफ़ी अंधेरा है मेरे जो अगल बगल में, काफ़ी अंधेरा है। और यहाँ पे मैंने कुछ सामान वगैरह लिया हूँ, तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो ये चॉपिंग बोर्ड घर से मैं लिया हूँ, और थोड़ा बहुत चिकन लिया हूँ मैं, करीबन 1 पावा जैसा 1 पावा जैसा। और यहाँ पे मेरा कुकिंग सेट है, ये कुकिंग सेट जो कि मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी दिखाया था, और ये मेरा जो कुकिंग गैस है, तो इसी से मैं बनाऊँगा खाना आज का, और ये खाने के लिए डिश और कुछ सामान, यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह भी है, वैसे कल के लिए ब्रेड, और ये सारा पूरा मसाला वगैरह। तो गाइस, पहले तो मैं ये चिकन जो है ना थोड़ा बहुत फ्राई करूँगा, उसके बाद में बनाऊँगा उस प्रोडक्ट। मैं हालांकि वैसे कभी घर में भी उतना ट्राई नहीं किया हूँ जितना भी रेसिपी, इसको करता हूँ मैं मैरिनेट। ये देखिए मेरा चिकन हो रहा है यहाँ पे मैरिनेट। हाफ फ्राई हो चुका है, तो मैं क्योंकि विदाउट फ्राई चिकन जो उतना नहीं खाता हूँ। मेरा यहाँ पे जो है चिकन फ्राई हो चुका है, हाफ मैंने फ्राई किया, फुल फ्राई नहीं किया, मैंने हाफ फ्राई किया, तो मेरा चिकन फ्राई हो चुका है। अभी मैं ये इसको थोड़ा रखता हूँ साइड में, और उसके बाद में
मैं जो है चावल जो है मैं यहाँ पे चढ़ाऊंगा, उसके बाद में जितना भी कटना है सब्जी वगैरह, जितना भी मेरे को मसाला वगैरह कटना है, यानी कि प्याज टमाटर जितना भी है, और वो कट के रेडी करूंगा। तब तक मेरा चावल चढ़ेगा और बनेगा। आई होप आप लोग ये ब्लॉग जो है इंजॉय कर रहे हैं गाइस। तो अगर आप लोग ये ब्लॉग इंजॉय कर रहे हैं ना, तो लाइक तो बनता है गाइस, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस इतना एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं, जो कि लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस, फर्स्ट कैंपिंग, नाइट कैंपिंग, फर्स्ट सोलो कैंपिंग, वो भी और कुकिंग के साथ में। ये एक्सपीरियंस आप लोग को कहीं पर भी नहीं मिलेगा। मैं ज़्यादा नहीं आप लोग से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को प्यार दीजिए, वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और इसी तरीके से अलग अलग जगह में जाके एडवेंचरस चीज़ करके दिखाऊं आप लोग को, और मेरे साथ में आप लोग भी इन्जॉय करें इस एडवेंचरस चीज़ को। तो अभी मैं करता हूँ ये चावल धो के, उसके बाद में मैं इस बर्तन में चावल चढ़ा देता हूँ, उसके बाद में फिर जितना भी काटने का चीज़ वगैरह है वो मैं काट लेता हूँ। तो बने रहे ब्लॉग पे गाइस। यहाँ पे चावल चढ़ चुका है, ये चावल चढ़ चुका है, और यहाँ पे चावल चढ़ने के बाद में अभी जैसे कि मैंने आप लोग को कहा कि यहाँ पे अभी कुछ प्याज छिल के, प्याज काट के, टमाटर काट के वो सब रेडी करूँगा, जो कि चिकन करी बना रहा हूँ मैं। तो आज का डिनर मेरा चावल के साथ में चिकन करी। तो इसको ढक देते हैं, उसके बाद में पकने देते हैं एकदम बढ़िया आँच में हुए। अगर मैं आप लोग के साथ में बात ना करूँ ना, तो मुझे मतलब यहाँ पे कुछ मतलब डर सा लगता है, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पे आवाज़ें वगैरह आते रहते हैं। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर एक कुत्ता भी आ चुका है। तो यहाँ पे कुत्ता आया हुआ है, वो बैठा हुआ है, तो मैं जैसे ही उसको बुलाता हूँ तो आ जाता है, फिर डर भी लगता है क्योंकि ये अनजान कुत्ता है। तो कुछ खाने को है बाद में, जब बचेगा नहीं उसके लिए रखूँगा, क्योंकि वो भी मेरे लिए रक्षा कर रहा है गाइस। तो बने रहिए ब्लॉग पे। तो गाइस यहाँ पे मैंने लिया हूँ दो टमाटर, दो प्याज, इसको मैं अच्छे तरीके से छिल के काटूंगा। तो और उसके बाद मैं यहीं पर रखूंगा, और जितना भी मसालास है, जितना भी स्पाइसीस है, वो तो मैं पैकेट का लेके आया हूँ, और मेरे पास सब कुछ है, जितना भी मतलब रसोई में चाहिए वो सब कुछ है। हालांकि छोटा छोटा पैकेट में है, फिर भी सब कुछ है। तो करते हैं शुरू। आज है 11th of February, तो मेरा नया ब्लॉग जो है आ चुका है गाइस। तो अगर आप लोग ने वो नहीं देखा है तो काइंडली जाके वो देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा वीडियो बना है। और साथ में मैंने वहाँ पे बताया है जितना भी मैंने टूरिंग मॉडिफिकेशन किया हूँ मैंने यामा रेजेडार में, तो वो जेडार का टूरिंग मॉडिफिकेशन आप लोग देख लीजिए। उसमें मैंने जितना भी है सब कुछ बताया है आप लोग को। इस साला तो मेरा यहाँ चावल जो है उबल रहा है। तो ये बहुत दूसरा टाइप का एक्सपीरियंस करते हुए, तो ये जो है ना मेरा, ये जो क्या बोलते हैं इसको, स्पून, बड़ा स्पून एक ही है, तो इसको मैं इसी को धोके मैं चला लेता हूँ। मेरा यहाँ राइस बन रहा है और यहाँ पर प्याज रेडी हो रहा है। तो प्याज को कटिंग करते हैं थोड़ा, और ये सब को थोड़ा साइड कर लेते हैं। देखिए सेब की तरह मेरा प्याज कटिंग हो रहा है। इसको बारीक बारीक काटना है गाइस मुझे। यहाँ पे राइस भी रेडी हो चुका है, अभी इसको निकालता हूँ और रखता हूँ इधर पे। तो मेरा ये राइस रेडी हो चुका है, और अभी तैयारी करता हूँ चिकन का। उससे पहले थोड़ा पापड़ भाज लेते हैं, और मेरा जो है मैं सस्ता मस्ता पापड़ यूज़ करता हूँ, भवानी पापड़, जो कि 20 रुपए में आ जाता है। तो इस क्योंकि मैं ना विदाउट पापड़ मुझे डिनर करना अच्छा नहीं लगता, तो पापड़ तो मुझे चाहिए ही हर डिनर में ज़्यादातर। तो यही जो जिस तेल में मैंने चिकन फ्राई किया था उसी तेल में मैं ये पापड़ भी फ्राई करूंगा।
गाइस अभी मेरा चिकन फ्राई भी हो चुका है, उसके बाद में राइस भी तैयार हो चुका है और पापड़ भाजना भी कंप्लीट हो चुका है। तो अभी चिकन करी को बनाने में शुरुआत करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे चिकन करी बन रहा है, अभी बनेगा, बन नहीं रहा है, अभी बनेगा। तो अभी देखिए यहाँ पे चिकन करी बनेगा। तो गाइस ये चिकन फ्राई, पापड़ फ्राई और यहाँ पे राइस ऑलरेडी कुक हो चुका है, अभी चिकन करी बनाने को शुरू करते हैं। तो चलिए चिकन करी बनाने को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डालते हैं प्याज को, प्याज जो है प्याज डाल दिया मैं सबसे पहले, प्याज जो है यहाँ पे डाल के थोड़ा बहुत चला लेता हूँ इसको, प्याज साइड बहुत ज़्यादा हो गया है। तो गाइस यहाँ पे अभी मेरा चिकन के लिए जो मसाला है जो ग्रेवी के लिए तैयार हो रहा है, और यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत ये पेस्ट वगैरह डाल रहा हूँ, जिंजर गार्लिक पेस्ट। और यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं थोड़ा बहुत और मसाला, देसर, ये तो जीरा पाउडर है, जीरा पाउडर, उसके बाद में ये रहा देसर, ये रहा लाल मिर्च, थोड़ा बहुत लाल मिर्च क्योंकि उतना मैं तीखा नहीं खाता हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे आ गया गरम मसाला, धनिया पाउडर, धनिया पाउडर, चलिए गरम मसाला लास्ट में डालते हैं और इसको फिर से यहाँ पे चलाते हैं। मुझे लगता है कि मैंने जो जितना भी चीज़ चॉपिंग किया, प्याज और ये टमाटर, उसको और बारीक से कटना चाहिए था, लेकिन उसकी वजह से ये अच्छी तरीके से अभी कुक नहीं हो रहा है। फिर भी देखते हैं, हो ही जाएगा, चिकन पकते पकते ये भी अच्छी तरीके से ग्रेवी में कन्वर्ट हो ही जाएगा। थोड़ा बहुत नमक स्वाद अनुसार, ये रहा, अभी उतना नहीं डालते हैं, बाद में डालेंगे। ये देखिए, वाह कितना बढ़िया लग रहा है, चिकन कुआसा जैसा हो गया, चिकन कुआसा हो गया है मेरा तो, ये चिकन ग्रेवी है ना, चिकन कुआसा में कन्वर्ट हो गया है। इसको अभी
थोड़ा सा पानी दे देता हूँ। तो अभी बारी आ गया है थोड़ा थोड़ा क्या पूरा चिकन डालने का, तो अभी चिकन डाल देते हैं। तो ये रहा चिकन, और भी पानी डालना पड़ेगा शायद, लेकिन चलाने को असुविधा हो रहा है गाइस। वाह, ओहो बढ़िया। ग्रेवी बन रहा है, और ये रहा पापड़, ये रहा चावल। तो देखने से कैसा लग रहा है आप लोग को मेरा जो बनाने का तरीका था, हालांकि इस तरीके से मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया था, तो आप लोग को दिखाने के लिए इस तरीके से ट्राई किया हूँ। तो कैसा लगा मेरा रेसिपी आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना ना भूले। और इसका रील्स जो है ना गाइस, तो पहले आ जाता है, तो रील्स के लिए आप इंस्टाग्राम को फॉलो करना ना भूले गाइस। तो जल्दी से जाके इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। तो गाइस मेरा चिकन जो है यहाँ पे देखिए, चिकन करी जो है कितना बढ़िया हो रहा है, काफी बढ़िया बढ़िया तरीके से पक रहा है चिकन करी। थोड़ा हिलाने में चलाने में थोड़ा बहुत ये जो है असुविधा हो रहा है, लेकिन फिर भी अच्छी तरीके से हो रहा है। और चिकन से ना काफ़ी मतलब लाइक तेल निकल रहा है, हालांकि तेल तो मैंने डाला ही था। तो नेक्स्ट ऐसे कैंपिंग में ना गाइस, मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगा जो कि हम लोग नेपाली में बोलते सेकुआ, जिसको हिंदी में बोलते कबाब, जो भी है वो सब मैं ट्राई करूँगा। तब तक के लिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थोड़ा बहुत पानी डाल दिया हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि नीचे से थोड़ा जल रहा था। आस्ते आस्ते करके एकदम प्यार से मैं बनाऊँगा इसको, और एकदम प्यार से मैं प्रिपरेशन करूँगा। और थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार डालते हैं।
चिकन अच्छे तरीके से पक चुका है मेरा। इसको थोड़ा सा देखते हैं, चेक करते हैं। काफ़ी गर्म है, काफ़ी गर्म है गाइस, फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे इसमें रख के थोड़ा सा ठंडा करते हैं और उसके बाद में टेस्ट करते हैं। चिकन जो है यहाँ पे देखिए कैसा बढ़िया बन रहा है। अभी इसको मैं बंद करूँगा क्योंकि, तो गाइस अभी मेरा सब कुछ बन चुका है, रेडी हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चिकन इस तरफ है, राइस इस तरफ है, पापड़ उस तरफ है। तो अभी मैं खाना शुरू करता हूँ क्योंकि भूख भी लगना शुरू हो गया और उसके बाद में फिर खाया पिया थोड़ा बहुत, मोबाइल चलाने के बाद में सो जाना है और उसके बाद में कल जो है कल भी आप लोग को दिखाना है। तो आज का वीडियो जो है, ये वाला जो वीडियो आप देख रहे हैं ये वो पहले वाला इस एपिसोड होगा, और जो कल जो देखेंगे ना, कल वाला जो है वो सेकेंड एपिसोड रहेगा। तो उसमें वो भी मिस मत कीजिए क्योंकि वो वाले ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा यहाँ का ड्रोन फुटेज वगैरह, काफ़ी बढ़िया लोकेशन, उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं किस कहाँ पर मैं कैंपिंग कर रहा हूँ। तो वो फुटेज देखने के लिए आप कल वाला ब्लॉग ज़रूर देखना, ये वाला ब्लॉग तो देखना ही और लाइक कर देना। तो अभी मैं यहाँ खाना शुरू कर देता हूँ। तो राइस है ना गाइस, राइस ये देखिए आप, राइस परफेक्टली कुक हुआ है। वाह, जो है सर्व करते हैं यहाँ पे, दो जन के लिए राइस बना गाइस एक ही बार में। मुझे आइडिया नहीं था इसलिए मैं उतना राइस बनाया था, और ये खाना बनाने का उतना एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी मुझे आता है, ठीक ठाक आता है, बना लेता हूँ मैं ठीक ठाक। आप वीडियो में देख लिए होंगे। चलिए हो गया गाइस, ये चिकन थोड़ा गर्म भी हो चुका है, तो यहाँ पर डालते हैं चिकन। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, कितना बढ़िया बढ़िया पीस लग रहा है। तो चिकन और पापड़ देखिए, यहाँ पर पापड़ भी बढ़िया है। और गाइस स्टार्ट करते हैं फिर से एक बार, यहाँ के जितना भी देवी देवता है उसका नाम लेते हुए अभी ये खाना शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया बना है, बहुत। मैं घर में भी चम्मच से खाता हूँ इसीलिए छोटा बहुत बड़ा चम्मच यहाँ पे है। थोड़ा टमाटर ज़्यादा हो गया गाइस, टमाटर जो मैंने डाला था चिकन करी के लिए तो वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इसीलिए थोड़ा खट्टापन है यहाँ पे। और सब बढ़िया, परफेक्टली कुक। गाइस एक ही बार में आप लोग को खाने के बाद में मैं मिलता हूँ, उसके बाद में थोड़ा बहुत बात करेंगे और ये ब्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे गाइस। तो बने रहिए ब्लॉग पे, कहीं नहीं जाइए क्योंकि अगले वाला जो वीडियो होने वाला है, कल वाला एपिसोड जो होने वाला है सेकेंड एपिसोड, वो काफ़ी बवाल होने वाला है। सो गाइस मेरा खाना हो चुका है और मेरा खाना कुछ बचा हुआ है क्योंकि मुझे उतना आइडिया नहीं था, आप देख सकते हैं यहाँ पर उतना आइडिया नहीं था, यहाँ पर इतना सारा खाना बचा हुआ है, राइस भी बचा हुआ है और चिकन भी बचा हुआ है, पापड़ भी बचा हुआ है। तो ये जो है मैंने जितना डाला था अपने थाली पे उससे भी बचा हुआ है, तो ये जो है अपने दोस्त के लिए यहाँ पे जो घूम रहा है देखिए, इसके लिए मैं रखा हूँ तो उसको दे दूँ। तो गाइस आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आई होप आप लोग इन्जॉय किए होंगे और आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छे लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी कर देना सब्सक्राइब, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना गाइस। कमेंट करना आप लोग को कि आप भी ऐसी तरीके से कैंपिंग करना चाहते हैं तो, और ये कैंपिंग वाले वीडियो में आपको सबसे बड़ा बढ़िया कौन सा पार्ट लगा, चिकन अच्छा लगा मेरा जो बनाया हुआ चिकन अच्छा लगा, तो वो भी कमेंट कर देना गाइस। तो गाइस इस वीडियो को एंड करने का समय आ चुका है, तो
इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो गाइस थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसको देते हैं, रुक 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 रुक, ये ले खा, खाओ खाओ खाओ।